तो हम इतिहास के अंतर्गत अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से मुद्रण और उसकी तैयारियां हुई थी। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रित में छपी हुई जो सामग्री बताओ दुनिया में कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है, ये चारों तरफ नजर दौड़ाए तो समझ में आता है। इसलिए हम देखेंगे जो मुद्रण के द्वारा जो दिखाई देती है कि ये किताबें छपी हुई, अखबार, मशहूर तस्वीरें, नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा, ये पोस्टर आदि, ये क्या है, ये मुद्रण की सामग्री ही है। क्योंकि इनको मुद्रण के द्वारा ही, मुद्रण मतलब छापना, किसी वस्तु की जब छपाई की जाती है उसको मुद्रण कहते हैं। इस तरह से जब हम साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सार्वजनिक दुनिया की चल रहे विवादों को जायजा लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है अस्तित्व को मानकर चलते हैं। क्योंकि ये सारी जो सोचने को भी मजबूर कर जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले एक दुनिया थी जो शायद महसूस करते थे। छपाई एक इतिहास है क्योंकि इसमें समकालीन जमाने में इतिहास जो मुद्रित सामग्री जो कब से शुरू हुई यह कहना मुश्किल है। लेकिन पुराने समय में भी कुछ चित्रकारी की जाती थी जिसमें कि दीवारों में या फिर स्तंभों में ये चीज देखने को मिलती थी। मुद्रण के इसी इतिहास को देखिए, कैसे पूर्वी एशिया में शुरू होकर यूरोप, भारत में फैला और मुद्रण की तकनीक जो है इस प्रकार प्रभाव प्रसार जो सामाजिक जीवन में बदलाव को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। फिर शुरुआती छपी किताबें, मतलब जो शुरू में जो मुद्रण की गई या छपाई की गई उन किताबों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो तकनीक जो है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। उसके बाद फिर तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही से लगे काट और ब्लॉक से तख्ती पर कागज के द्वारा उनको छपाई की जाती थी। और कागज के दोनों तरफ उस समय छपाई करना आवश्यक नहीं था, इसी वजह से पतले छिद्रित कागज की दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। इसीलिए कागज में वो क्या करते थे, एक तरफ छपाई करते थे। और फिर चीनी जो थी, चीनी किताब जो अकॉर्डिंग शैली किनारों में मोड़ने के बाद जो थी किताब सुलेखन खुशनबी करने के लिए ये सुलेख खुशामद करती थी, जिससे कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री सबसे बड़ा उत्पादक जो चीनी राजतंत्र था। यहाँ नियुक्ति जो चीन नौकरशाही एक मिसाल काय थी जिन्हें किताबों और यही जो है राजतंत्र जो है परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद किताबें छपवाता था। इस तरह से जो बढ़ी लिया जा छपी किताबें और इसमें उसी अनुपात में बढ़ गई क्योंकि इसकी जो डिमांड थी वह ज़्यादा बढ़ने लगी। इस तरह से मुद्रित सामग्री जो थी उसको उपभोक्ता क्या करने लगे, उपभोक्ता जो थे सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे बल्कि वे रोजमर्रा के कारोबार में जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का भी इस्तेमाल करने लगे। मुद्रित सामग्री ऐसी थी जिसमें काल्पनिक किस्से थे, कविताएं थी और साथ ही साथ आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य, कृतियां, संकलन, रोमानी नाटक, इस तरह से अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जो स्वचरित कहानियां थी, कुछ के आत्मकथाएं थी, ये सारी चीजें जो है मुद्रित होने लगी थी। फिर इस तरह से जो जब मुद्रित पुस्तकें मिलने लगी तो नई संस्कृति और नई तकनीक के साथ आई, तो इसमें पश्चिमी शक्तियां जो थी चौकी स्थापित की। उसके बाद ये संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया था और यह जो है धीरे धीरे मशीनी और यांत्रिकों के छपाई ने ले ली थी। पहले जो हाथ से छपाई करते थे, छापा छपाई करते थे, वह बाद में उससे छपाई करने लगे। जापान में जब मुद्रण चालू हुआ तो वो चीनी बौद्ध प्रचारक जो थे 768 और 70 के बीच में तकनीकी को लेकर छपाई जापान से आए थे। और इस तरह से 868 ईस्वी में छपी पुस्तक जो डायमंड सूत्र था उसके पाठ के साथ साथ काठ के खुदे चित्र भी थे। फिर 18वीं सदी के अंत में जब हम देखेंगे तो टोक्यो के नाम से जाना गया, यहाँ पर भी इसमें यायावर मजमू कलाकार जो थे वे तवायफों की देखरेख करते थे और साथ ही साथ अपने हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री जो महिलाएं संगीत, ताजा हिसाब किताब, जो चाय, अनुष्ठान, फूलबाजी, सिस्टर आदि चीजें जो होती थी पुस्तकालय की दुकान में अटी पड़ी थी, मतलब हर चीज जो थी वह मुद्रित करके दी जाने लगी थी। फिर यूरोप में मुद्रण का आना, अब यूरोप में जब मुद्रण आया तो कैसे आया, चीन में रेशम और मसाले रेशम मार्ग यूरोप से आते थे, उसके बाद फिर चीनी कागज भी उसी रास्ते से आने लगे और साथ ही साथ कागज की जो किताबें थी वो मुंशियों और सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों में उत्पन्न हो जाती थी
और इस तरह से 1295 में भी मार्को पोलो नामक महान चीनी यात्री थे, उन्होंने काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा और उसके बाद उसने अपने ऊपर पढ़ा चीन के पास वुड ब्लॉक थे, काट की जो तख्ती होती थी जो छपाई की जाती थी उस तरह से वह उन्होंने देखा उस तख्ती पहले मौजूद थी वहां पर। तो उसके बाद फिर इतालवी में तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और उसमें तकनीकी बाकी यूरोप में भी फैल गई थी। इस तरह से कुलीन वर्ग भिक्षु वर्ग के लिए भी किताबें छपने लगी थी, बीस कैमती वेलम जो होते थे, चर्म पत्र होते थे, मतलब तरह तरह की किताबें होती थी, किस किस पत्र मुद्रा में उनको छापा जाता था, सस्ती और महंगी उस हिसाब से रखी जाती थी। इस तरह से अलग अलग जगहों में भी पुस्तकों के मेले लगने लगे क्योंकि पांडुलिपियां और मुद्रण होने लगे, इससे सुलेख जो मिलते थे किताबें मिलती थी वो आसानी से मिलने लगी, इस तरह से किताबों की दुकानें भी लगने लगी। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग जो थे हस्त लेकिन जो पांडुलिपियां थी उससे पूरी नहीं की जाती क्योंकि तेजी से वे छपाई नहीं की जा सकती, तो नकल करना बेहद खर्चीला होता था। इस वजह से पांडुलिपियां जो होती थी वह अक्सर नाजुक होती थी और उनके लाने ले जाने में भी परेशानी होती, जिस तरह से आप लोग देखते हो पुरानी पुस्तकें जब देखते हो तो उसके पन्ने बजनी भी होते थे, हर चीज होते थे और उनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ हम देखेंगे 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी छोटी टिप्पणियां और धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे, लेकिन किताबें छापने की तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी जो छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार में संभव था। और यह योहान गुटबर्न ने अंततः करके दिखा दिया कब, 1430 में। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने जब वह प्रिंटिंग प्रेस निकाली तो वह इनके पिता जो थे वह एक व्यापारी थे, खेती में एक बड़ी रियासत थी, पल बढ़कर वह बड़ा हुआ था और वह बाद में पत्थर पर पॉलिश करके जो कला था उसे सीखी और सुनारी और अंत में उन्हें शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने लगे थे। तीसरे से हम देखेंगे कि इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यह आविष्कार किया जिससे जैतून प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल का आदर्श बना, जिससे कि इसमें उपयोग जो अक्षरों की धातु आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया था और 1448 में इन्होंने अपना यंत्र मुकम्मल कर लिया था, मतलब इस समय तक ये पूरी तैयार हो चुकी थी। और इनकी पहली किताब जो छपी थी वह बाइबल थी, तकरीबन 180 प्रतियां बनाने पर उन्हें 3 साल लगे थे। इस तरह से समय के हिसाब से काफी तेज था, इस तरह से यह तकनीक जो है सफल हुई और इस तकनीक का जो इस तरह से इस तकनीक के द्वारा किताबें छपने लगी और इससे लोग उसे रंग रूप और साज सज्जा में भी शामिल हो गए थे। इस तरह से हस्तलिखित के पांडुलिपियां जैसी ही दिखती थी लेकिन धातु अक्षर जो थी सजावटी शैली अनुकरण करते थे और साथ ही साथ फूल पत्तियों डिजाइन भी उससे बनाई जा सकती थी और हर खरीदार की रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था, मतलब जो भी किताब हमें छपवानी है या जो कार्य करनी है उसको हम अपने हिसाब से किताबें छपवा सकते थे। फिर मुद्रण क्रांति और उसका असर, जब मुद्रण क्रांति हुई तो इसका इस तकनीक का जब आविष्कार हो चुका था तो उसमें भी कई तरह की नाटकीय बदलाव की शुरुआत हुई जिससे कि इसकी बदौलत सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता जो था वह बदल गया था कि लोग चेतना बदली, लोगों बदला, चीज़ देखने का नज़रिया भी बदला क्योंकि हर चीज़ जो थी प्रिंटिंग में उनके सामने आने लगी थी और उसको वे पढ़ने लगे थे। फिर देखेंगे नया पाठक वर्ग, छापेखाने में आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ जिससे छपाई से किताबों के उत्पादन के वक्त जो थी हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया था और बड़ी तादाद में प्रतियां जो छपना आसान हो गई थी। इस तरह से जो पाठक वर्ग थे वह भी बढ़ने लगे थे और किताबों की पहुंच तक लोग पहुंचने लगे थे और नई नई संस्कृतियां विकसित होने लगी। इस तरह से आम लोगों के मौखिक संसार में जीते और किताबों के कारण इससे उनके बोल कर पढ़े जाते थे और मौखिक लेन देन ही होता था। इस तरह से हम देखेंगे कि छपाई क्रांति से पहले किताबें ना केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था, लेकिन बाद में मुद्रण की क्रांति आने पर यह सारी चीजें जो थी वह संभव हो चुकी थी। इस तरह से हम देखेंगे कि यह संक्रमण यह सरल नहीं था क्योंकि सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप में अधिकांश लोग 20वीं सदी की साक्षरता की दर जो सीमित थी और साथ ही साथ वे भी बोलकर ही पढ़े गए थे, सुनकर उनका लुप्त
जो उठाते थे, मतलब कुछ लोग बोलकर उसको पढ़ते थे, जिस तरह से कहानियां सुनाते हैं उस तरह से उनको सुनाया जाता था, लोकगीत लोक कथाएं छापनी भी शुरू हुई, इसके साथ आमतौर तस्वीर, इस तरह से आमतौर पर तस्वीरों खूब सजी हुई होने लगी और साथ ही साथ मौखिक अंदाज भी प्रसारित होने लगा और मौखिक और मुद्रित जो संस्कृतियों के बीच का विभाजक रेखा जो थी वह भी धुंधली होने लगी थी, क्योंकि श्रोता और पाठक एक वर्ग से दूसरे वर्ग से जुड़ने लगे थे। फिर धार्मिक और विवाद और प्रिंट का डर, यहाँ पर बहस और बहुत सारे द्वार भी खुले जिसमें कि विचारों को छाप कर उन्हें फैला भी सकते थे और साथ ही साथ यह भी जाहिर था इस बात के जीवन कई क्षेत्रों में गंभीर मार्ग है, क्योंकि जो मुद्रण की हुई चीजें जब हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें जो आती हैं उसको हमको पढ़कर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। इसका हम स्वागत भी करते हैं क्योंकि इससे क्या है और लोग अपनी जो मन की बातें हैं वह भी उसमें लिखकर छापते हैं, लेकिन कई बार कई बातें ऐसी होती हैं जो कि धर्म के विरोध या बागी हो सकता है, जैसे कई लोगों में बागी और आधार्मिक विचार पनपने लगेंगे और जैसे मूल्यवान साहित्य की सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों के साथ कई ऐसे लेखक जो कलाकार व्यक्त की गई थी जिसमें चिंता नव विद्रित थी और साथ ही साथ नव प्रसारित साहित्य के व्यापार में भी व्यापक आलोचना का आधार भी बनी थी, कई चीजें ऐसी थी जो कि हम उसमें दिखा सकते थे। इस तरह से हम देखेंगे धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की थी। फिर इसमें प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की उस हफ्ते में भी, इसमें लूथर ने तजर्बे का अनुवाद किया था। फिर मुद्रण और प्रतिरोध, जो मुद्रण किया जाता था इसमें कम शिक्षित वर्ग के लोग भी अलग अलग व्याख्याओं में परिचित हुए और उसके साथ साथ ये इटली के एक किसान जो थे मनोकियों ने अपने इलाके के उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसमें कई ऐसे भी थे जो धर्म विरोधी विचारकों को दबाने के लिए भी रोमन चर्च ने इनकी भी जीनस जीशन जैसे जैसे धर्म द्रोही दुरुस्त करने वाली संस्था के रूप में भी शुरू किया था और साथ ही साथ रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को कई तरह की पाबंदियां लगाई। इन पाबंदियों के कारण भी 1558 किताबों की सूची रखने लगे थे कि कौन कौन सी किताबें बेची गई, कौन कौन सी किताबें उन्होंने रखी हुई है। फिर पढ़ने का जुनून, जैसे ही मुद्रित किताबें जब आई, किताबें क्या जिस तरह से हमको आकर्षित करती, क्योंकि जिस तरह से वह मुद्रित होगी प्रिंटेड होगी वह हमें आकर्षित करती, हम उसे कोशिश करते हैं कि उसको देखकर पढ़ें, तो इस तरह से पढ़ने का जुनून भी किस तरह से लोगों में आ सकता है, जैसे साक्षरता बढ़ती रही क्योंकि लोग देख देख कर उसे पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और जैसे कि पढ़ने का जुनून भी लोगों में बढ़ा और वे शिक्षित होने लगे। इस तरह से किसानों कारीगरों को भी शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी में भी ऐसे साक्षरता का दर जो था 60-80% तक पहुंच गया था। नए पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए भी कई किस्म के साहित्य छपने लगे थे। विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने का काम शुरू किया, जैसे पंचांग के अलावा भी लोक कथाएं लोक गीतें हुआ करती थी जो कि लोगों के मनोरंजन का प्रधान हुआ करता था। इस तरह से कई तबके के लोग जो होते थे वह किताबें आसानी से खरीद कर पढ़ सकते थे क्योंकि प्रिंटिंग होने के कारण ये किताबें जो थी वह सस्ती हो चुकी थी। फिर 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ जिसमें कि समसामयिक कई घटनाओं की खबर जो कि मनोरंजन के रूप में परोसा जाने लगा था और साथ ही साथ उसी में वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता के पहुंच से के बाहर नहीं थे, क्योंकि जो ग्रंथ और जो संकलित किए जाते थे, जो प्रिंटिंग किए जाते थे वे लोग आम लोगों तक भी वह पहुंचने लगी थी, जनता आम जनता तक वह पहुंचने लगी थी। फिर देखेंगे दुनिया के जालिमों और विलोगितों, मतलब दुनिया के जालिमों और विलोगितों से मतलब ये था कि प्रगति और ज्ञानोदय का ज्ञान जो होने लगा था, लोगों को सारी चीजें मालूम होने लगी थी, किताब पढ़ने से ही लोगों को बहुत सारी जानकारी दुनिया के बारे में पता चलने लगा था, इसलिए कहा गया कि दुनिया के जालिमों अब विलोगितों, क्योंकि सारी जानकारियां जो थी एक आम जनता तक आसानी से पहुंच रही थी।